दोस्तों बात करें अगर पहाड़ी रीति रिवाज की, तो हर कार्य को करने से पहले यहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है, खोले के गणेश की। तो यहाँ पर गाय को जो शुद्ध माना जाता है, तो उसके गोबर का जो वो लगाया जाता है खोली पर, और अब करते हैं गाय की पूजा। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब मंथन हुआ था तो जो उसमें से 14 अमूल्य चीज़ें निकली थी, उसमें से गौ माता भी एक थी। लक्ष्मी माता से पहले गौ माता निकली थी, इसलिए दिवाली पे लक्ष्मी देवी की पूजा से पहले गौ माता की पूजा करना आवश्यक होता है। गौ माता ही वो अमूल्य चीज़ हैं जो 14 रत्नों में से एक मंथन के टाइम निकली थी, तो इनको लक्ष्मी माता की बड़ी बहन के रूप में मानते हैं, तो इसलिए पहले इनकी पूजा करते हैं। और दोस्तों मिलिए यहाँ पर मेरी छोटी भाभी दादी और ताई जी, अभी यहाँ पर गाय को खिला रहे हैं और उनकी पूजा करेंगे। और आ चुकी है यहाँ पर बड़ी भाभी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी खिला लिया है गाय को, और तिलक भी कर ही लिया है, दादी ने भी कर दिया, और आपने देखा इससे पहले मेरी भतीजी मिनी ने भी कर दिया था। तो अब इससे धूप का काम होता है पहाड़ी में, तो अब इससे गाय को छान किया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। भगवान से ही कामना रहेगी कि ये नए त्यौहार के साथ आपके घर में सुख समृद्धि लाए। दोस्तों ये ब्लॉग लाए हूँ आपको फिर से पहाड़ की इन हसीन वादियों के बीच से। मैं आया हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने अपने गांव, अपने ताई जी लोगों के पास और अपनी दादी के पास। तो अब तक जो आपने ये एक्टिविटीज़ देखी होगी, ये थी हमारे पुराने घर की, जहाँ ताई जी लोग ये दादी रहती हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ अपने गांव के जूनियर हाई स्कूल में, जो 8 तक की हैं। यहाँ पर मेरे बड़े भाई लोगों ने पढ़ा है, और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं वो ऊपर रही, काफ़ी ऊपर है यहाँ से, वहाँ ले चलेंगे आपको कभी नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों वैसे तो हम पढ़ाई के सिलसिले में भारी रहते हैं, मैं रहता हूँ गोपेश्वर में, और मेरी मम्मी और दीदी रहती हैं कर्णप्रयाग में, वो भी कॉलेज करती हैं इस चक्कर में, तो हम घर कम ही आते हैं। तो घर कम आने के चक्कर में आपको पता ही है, अगर कुछ टाइम तक घर बंद रहे तो क्या हालत घर के होते हैं। तो इसी सिलसिले में थोड़ा चलते हैं अपने घर, नए घर की तरफ। चाबी मैं लेके आया हूँ, थोड़ा वहाँ सफाई सफाई करेंगे। सुनने में आया था कि हमारे घर के पीछे ऐसे ही चीड़ का काफ़ी बड़ा पेड़ था जो हवा से टूट चुका था, और उससे जो लकड़ियां हैं वो छत में गिरी हुई हैं। तो चलते हैं घर की ओर, दिखाते हैं आपको वहां का नज़ारा, वहां करेंगे पहले साफ़ सफाई। तो दोस्तों मेरे गांव का नाम है सुमलटा, और बसा हुआ है पिंडर नदी के इस ओर। तो दोस्तों यहां रहा हमारा पुराना घर, और ऊपर रही हमारी प्राइमरी स्कूल इस पहाड़ के ऊपर, और ये है नज़ारा जूनियर हाई स्कूल के फील्ड का। और दोस्तों इस तरफ रहा हमारा नया घर, जहाँ हमको भी जाना है, जहाँ मैं आपको लेकर चलूँगा। तो दोस्तों सामने देखिए, दिखाता हूँ आपको सिमली गांव। दोस्तों वो पिंडर नदी के उस तरफ है सिमली गांव, और नीचे सैणबगढ़। तो सिमली से दोस्तों 4 या 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे हमारे गांव आते हैं। तो अभी चलते हैं उस तरफ जहाँ नया घर है हमारा। अच्छा किए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हाल किया गया है रास्ते का, सुवर्ण द्वारा पूरा खोद दिया गया है इधर। दोस्तों काफ़ी बड़ा गांव तो हमारा है नहीं, गांव काफ़ी छोटा है और बिखरा बिखरा हुआ है, तो काफ़ी कम ही परिवार आपको दिखेंगे यहाँ, काफ़ी कम ही घर दिखेंगे। दोस्तों तो घर के पीछे का पेड़ था ये, और वो रहा उधर हमारा घर, बगल पे ताऊ जी का, और यहाँ पर राहुल और रोहन का।
दोस्तों तो यहाँ पर पहले से ही बैठ चुके हैं हमारे भाई साहब और उनकी बालिका, हमारी भतीजी, एक तो रही मिन्नी, दूसरी गौरी, जिसका नाम अक्षिता है। तो अभी सारी बच्चा पार्टी अंदर खेल रही है, तो मिलाते हैं आपको इनसे बाद में। देखिए दोस्तों कुछ ही हाल हुए हैं घर का। तो दोस्तों देखिए नन्नू, ये आपको पहले के ब्लॉग में देखा होगा, ये रही मिन्नी, यहाँ पर मेरी दादी, पीछे गोपाल, अर्नव, और वहाँ पर रही गौरी, और उधर मेरी ताई जी जाते हुए, छोटी ताई जी। देखिए दोस्तों उस टाइम और इस टाइम का हाल चौक का। और ये रही मेरी दादी, दोस्तों अब लग चुकी है भूख, हम मिल गए हैं अमरूद। गौरी मेहंदी दिखाए अपनी, और गौरी और मिनी की मेहंदी दिखा दो, पहले मेहंदी दिखा ना, अपनी दिखा, दिखा हाथ खड़ा कर, दिखा हाथ। ये रही गौरी की मेहंदी, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, बोल जल्दी बेटा, क्या लिखा है इसमें, मुझे नहीं पता, कुछ लिखा है तूने, क्या लिखा है, नहीं लिखा, क्या लिखा है, झूठ बोली, क्या लिखा है ये, अम्मी जी मेहंदी को मेहंदी लगाई, तेरे हाथ पे क्या लिखा है, दिखा दिखा ना, दिखा हाँ दिखा ना। तो हालत कुछ ये हो चुके हैं काम करके, बालों की और शकल की। तो दोस्तों अभी चौक साफ करने के बाद अभी मकान के पीछे कैसे साफ कर रहा हूँ, छत कर दिया है भाई ने साफ, और चौक कर लिया है मैंने, अब करते हैं पीछे कोने कैसे साफ, इस तरह। दोस्तों हालत हो चुकी है बुरी थकान से, और फिलहाल अभी रूम लॉक करके चल दिए हैं पुराने घर की तरफ, खाना वहाँ बन चुका होगा, दोपहर के 1 बज चुकी हैं यहाँ करीबन, दिन का खाना ऐसे ही 1 या 1.5 बजे के बीच हो जाता है, मैक्सिमम 2 बजे तक, इससे पहले ही दिन में यहाँ गांव में खाना हो जाता है। तो चलते हैं पहले खाना खाने, 1 दिन का रेस्ट करके फिर आएंगे वापस सफाई करने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को या फिर दिवाली के टाइम रात को, ठीक है दोस्तों बाय। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कभी हमारे गांव में लोग देखने को दुर्लभ हो जाते हैं और बड़ी खुशी होती है, त्योहारों के काफ़ी लोग आते हैं, तो आज तकरीबन 15-16 लोग हम इस फील्ड में मौजूद हैं, सभी भाई लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों सभी से मिलकर, आशा करते हैं ऐसे मिलते रहेंगे। फटी 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 अब भावना खत्म हुई।